कि मैं अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख लेता। आका की शान बयान कर रहे थे कि मैं अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख लेता। नुमाइश के लिए चीज वो रखी जाती है जो बड़ी आला हो, बड़ी नयाब हो, जिसकी जमाने में कदर की जाती हो। मैं अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख लेता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता। इस तरह बात नहीं बनेगी। जब बात ना बने हम बात बना लेते हैं, जब बात ना बने हम बात बना लेते हैं। नाम तेरा लेकर महफिल को सजा लेते हैं, लफ्ज जब अश्कों की सूरत में वजू करते हैं, हम आका तेरे नात बना लेते हैं। मैं अपनी आंखों को नुमाइश के लिए रख लेता, इन आंखों ने जो सरकार को देखा होता। मेरे होंठों पर सितारे चमकते ही रहते, इन होंठों ने जो सरकार को चूमा होता। मेरा जिस्म खुशबू से महकता ही रहता, मेरा जिस्म खुशबू से महकता ही रहता, इस जिस्म ने जो सरकार के पसीने को चूसा होता। फिर शायर अपना तखय्युल तब्दील करता है, कहता है काश पत्थर से जुड़ा मैं कोई जर्रा होता, काश पत्थर से जुड़ा मैं कोई जर्रा होता, फिर मेरे लब पर मेरे यार का तलवा होता। लोग आते हैं मेरी किस्मत की ज्यारत करने, आखिरी मिसरा बड़ा प्यारा मिसरा। लोग आते हैं मेरी किस्मत की ज्यारत करने, लोग आते हैं मेरी किस्मत की ज्यारत करने, मेरे माथे पर सरकार के पाँव का नक्शा होता। हजरत आपकी भरपूर तवज्जो में दावत सुखन देता हूँ। बाप की सजाई हुई महफिल में तशलाते हैं साहबजादा खतीब इब्ने खतीब मुकर्रर शोला बयां नन्ना मुकर्रर जनाब हजरत मौलाना उबैदुर रहमान हकानी साहिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو تجسا نہ ہو سکتا ہے میرا ہے یہی ایمان نہ مانوں گا مسئلہ ہرگز کسی زندیق کو مرتد کا जिसके गुलाम फाते ईरान वो शाम हूँ लाखों दरोद उस पे करोड़ों सलाम हूँ। मुअज्जज सामेईन आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका दिया गया है उसका उन्वान है शाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे अंबिया मेरे नबी की शान बयान करना सआदत समझते थे। कुरान पाक का एक एक हर्फ मेरे आका की रिफ़त व बुलंदी बयान करते हैं। नूरियों का सरदार जिब्रील अमीन मेरे आका का दरबान है। अरहमो जान सुकूनो ईमान सैयदुल कौनैन फखरुस सकलैन ख्वाजा बद्रो हुनैन हबीब खुदा महबूब किबरिया अशरफुल अंबिया शम्सुल जोहा जामिउल बयान फसीहुल लिसान हबीब मुअज्जम महबूब मुकर्रम हजरत जीवकार। वो कौन था जिसने इंसानों को इंसानों की बंदगी से आज़ाद कराया। वो कौन था जिसने अमीर गरीब ऊंच नीच को पास बैठना सिखलाया। इरफान हक की शमा जलाई हुजूर ने तारीकियों में राह दिखलाई हुजूर ने। जर्रों को महरुमा की तकदीर बख्श दी हर तरफ भी निगाह उठाई हुजूर ने। मुअज्जज सामेईन मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हर चीज़ आला से आला अता फरमाई है। अध्ययन की बारी आई तो इस्लाम का इंतखाब किया, किताबों की बारी आई तो कुरान का इंतखाब किया, शहरों की बारी आई तो मक्का मदीना का इंतखाब किया, पानियों की बारी आई तो जमजम का इंतखाब किया।
किया। माबद खानों की बारी आई तो बैतुल्ला का इंतखाब किया। मलाइका की बारी आई तो जिब्रीले अमीन का इंतखाब किया। सालों की बारी आई तो आमुल फील का इंतखाब किया। महीनों की बारी आई तो माहे रमजान का इंतखाब किया। दिनों की बारी आई तो जुमातुल मुबारक का इंतखाब किया। रातों की बारी आई तो लैलतुल कदर का इंतखाब किया। मक्का मदीना को बुलंद मकाम इसलिए मिला क्योंकि इनमें मेरे आका ने कयाम फरमाया। मुअज्जज सामेईन, ये हकीकत है कि खुशबख्तों ने मेरे आका की बरकत से अपनी झोलियां भर ली। आपके आने से जो चोर थे वो मुहाफिज बन गए, जो रहजन थे वो रहबर बन गए, जो खाइन थे वो अमीन बन गए। जहां बेअमनी का रिवाज था वहां अमन अमान कायम हो गया। जहां जुल्म सितम के अंधेरे थे वहां इल्म की कंदीलें जगमगा उठी। जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे वहां वो उखुवत की लड़ी में परो दिए गए। जो जालिम थे वो रहीम बन गए, जो खाइन थे वो अमीन बन गए, जो काजिब थे वो सादिक बन गए, जो जाहिल थे वो आलिम बन गए, जो चरवाहे थे वो इमाम बन गए, जो मुख्ताज थे वो गनी बन गए, जो बागी थे वो मुती बन गए, जो शर्म हया से आरी थे वो पैकरे इज्जत और अस्मत बन गए। मुअज्जज सामेईन, मेरे नबी की शान के क्या कहने, अपने उसकी तारीफ करें, पराए उसकी तारीफ करें, चरिंद उसकी तारीफ करें, परिंद उसकी तारीफ करें, जग उसकी तारीफ करें, बल्कि अर्शों का रब उसकी तारीफ करें। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा, वमा अलैना इल्ला अल-बलागुल मुबीन, वस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला इस साहबजादे की उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए और इनको कुरान और सुन्नत का दाई बनाए।